वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जियो फाइनेंस ऐप ओपन नहीं हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें। दोस्तों अगर आपके भी फ़ोन में जियो फाइनेंस ऐप ओपन नहीं हो रही है और आप भी इस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जियो फाइनेंस ऐप ओपन नहीं हो रही है, उस प्रॉब्लम को ठीक करना है तो सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहते लगे बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जियो फाइनेंस ऐप ओपन नहीं हो रही है, इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आते ही एक ऑप्शन आएगा ऐप का, ऐप पर क्लिक करना है, आपके फ़ोन में जो भी ऐप रहेगी वो आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करना है, जो भी जियो फाइनेंस की एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए ऐसे मैं जियो फाइनेंस ऐप पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पर जा देगा, एक ऑप्शन है स्टोरेज का, इस पर क्लिक करना है। नीचे की तरफ ऑप्शन है क्लियर डाटा का, इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे क्या होगा कि एप्लीकेशन का डाटा रहेगा, वायरस रहेंगे, सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपके फ़ोन में जियो फाइनेंस ऐप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके भी फ़ोन में जियो फाइनेंस ऐप ओपन नहीं हो रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके।